हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या सीन है लाइफ की आजकल जनाब? उम्मीद करता हूँ कि सब मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जिनका कि हमसे बहुत ही गहरा नाता है। जी हाँ, एक ऐसा देश जो कि आज तक किसी का गुलाम नहीं बना है। साथ ही इस देश में आपको भारत की सभ्यता देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा, इस कंट्री का नाम है नेपाल। वो कहते हैं ना कि भारत और नेपाल दो देश हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ हमारी बेटी और रोटी का रिश्ता है, इस बात को कोई काट नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको नेपाल देश के उन तमाम खूबसूरत जगहों पर लेकर के चलते हैं जहां की आप जाकर मस्ती कर सकते हैं। साथ ही आपको यही बताएंगे कि क्यों नेपाल का रेड लाइट एरिया है इतना पॉपुलर, जहां खुलेआम वो सब कुछ होता है। बिल्कुल सही समझे आप लोग। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि नेपाल देश का ऑफिशियल नेम है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, और इस देश की कुल जनसंख्या है लगभग 3 करोड़। जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 49वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में 20% जनसंख्या ही शहरों में रहती है, 80% रूरल एरिया में खेती करती है। दोस्तों, नेपाल देश 1,43,350 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के मामले में ये दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, नेपाल दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जो कि आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। जी हाँ, 1814 से लेकर 1816 तक इस देश के राजाओं की लड़ाई अंग्रेजों से हुई थी, लेकिन नेपाल गुलाम नहीं बना। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक नेपाल की बात ही निराली है। और अगर आपको नेपाल हिंदुस्तान से जाना है तो वीजा लगवाने की भी जरूरत नहीं है। अब हम आपको नेपाल देश की वो तमाम जगहें घुमा देते हैं जो कि है वर्ल्ड पॉपुलर डेस्टिनेशन। पशुपतिनाथ मंदिर। दोस्तों, नेपाल दर्शनीय स्थल में पहला प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि पशुपतिनाथ भगवान शिव को ही कहा जाता है। ये सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान शिव को अर्पित है। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं। ये सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान शिव को अर्पित है। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं और अन्य धर्म के लोगों को इस मंदिर के दर्शन बाहर से ही करने पड़ते हैं। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे बना हुआ है। इस मंदिर के आसपास काफी सुंदर माहौल देखने को मिलता है और शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में पर्व का आयोजन किया जाता है। पर्व के दौरान काफी संख्या में भक्त इस मंदिर में आते हैं। ये मंदिर काठमांडू से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में जाने का सबसे बेस्ट समय सुबह के दौरान सूर्योदय का है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो कि साल में 1 से 2 बार भी इस मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद आपके मन को बहुत शांति मिलती है और आपकी सोच बदल जाती है। आप इस दुनिया की सच्चाई को समझने लगते हैं। अगर आप नेपाल जाएं तो इस मंदिर को जरूर विजिट करें। मुक्तिनाथ मंदिर। दोस्तों, मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल दर्शनीय स्थल का एक और देखने लायक स्थल है। मुक्तिनाथ घाटी में ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु को अर्पित है और इस मंदिर में शालिग्राम शिला या शालिग्राम पत्थर की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का निवास माना गया है और इसीलिए इस पत्थर को काफी पवित्र माना जाता है। इस मंदिर को पैंगोडा वास्तुकला से बनाया गया है। वहीं ये मंदिर हिमालय में 3,700 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है, जिसकी वजह से इस मंदिर के आसपास काफी प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। यहाँ की तीर्थ यात्रा करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस क्षेत्र की यात्रा में हिमालय क्षेत्र की बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं को पार करना होता है। काठमांडू शहर। दोस्तों, काठमांडू शहर नेपाल दर्शनीय स्थल की शोभा बढ़ाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शाम के समय सैर करने का एक अलग ही आनंद आता है। दरअसल काठमांडू हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है और ऐसे में शाम के समय यहाँ का मौसम काफी सुहाना हो जाता है। साथ में ही इस जगह पर नेपाली ट्रेडिशनल डांस और कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी समय समय पर होता रहता है। काठमांडू में आपको शॉपिंग करने के लिए भी काफी कुछ मिल जाएगा। काठमांडू नेपाल का बेहद ही खूबसूरत शहर है। दोस्तों, साथ ही शहर में आप सनराइज का भी मजा ले सकते हैं। कहा जाता है कि सुबह सुबह जब धूप खिलती है तो यहाँ का नजारा बेहद ही खूबसूरत होता है। साथ ही अगर आपको नेपाली खाने का शौक है और यहाँ के खाने का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ओवर क्राउडेड नहीं है, यानी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप भीड़ भाड़ का हिस्सा हैं। तो नेपाल आप जब भी जाएंगे आपको शहर का दर्शन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहीं पर सारी फ्लाइट लैंड करती हैं। भगवान राम का ससुराल यानी कि जनकपुर। दोस्तों, रामायण की कहानी तो सबको पता ही है। आपको पता ही होगा कि भगवान राम का ससुराल नेपाल का जनकपुर है। जी हाँ दोस्तों, जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध राजा जनक थे जो सीता माता के पिता थे।
दोस्तों आपको बता दें कि आज भी हमारे देश में मिथिला की जय जयकार है। बिहार के कुछ जिले जैसे कि दरभंगा और मधुबनी मिथिला का हिस्सा है। आप जनकपुर जाकर माँ सीता के महल के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों जनकपुर में आज भी वो धनुष वैसे का वैसा ही रखा हुआ है जिसे तोड़ने के बाद भगवान राम की शादी माता सीता से हुई थी। अगर आपको रामायण से प्यार है तो जनकपुर में आप रामायण के एक हिस्से को जी लेंगे, माता सीता के दर्शन आपको मिल जाएगी। सागरमाथा नेशनल पार्क। दोस्तों सागरमाथा नेशनल पार्क भी नेपाल का एक बड़ा पर्यटन स्थल है। ये उद्यान नेपाल दर्शनीय स्थल में चार चांद लगा देता है। सागरमाथा नेशनल पार्क बेहद ही सुंदर जगह है और इस उद्यान से माउंट एवरेस्ट को भी देखा जा सकता है। जो लोग माउंट एवरेस्ट नहीं जा सकते हैं वे लोग सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान से माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं। इस पार्क में आपको कई तरह के पक्षी और जानवर देखने को मिल जाएंगे। इस पार्क को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और इस जगह पर जाकर आपको बहुत मजा आने वाला है। वैसे भी दोस्तों जो भी नेपाल के दर्शन करने निकलते हैं वो सागरमाथा नेशनल पार्क तो आते ही आते हैं, आप भी जरूर जाइएगा। पोखरा। दोस्तों पोखरा नेपाल दर्शनीय स्थल का एक और प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। पोखरा शहर के पास ही फेवा झील स्थित है और झील के चारों ओर काफी सुंदर और शांत वातावरण है। जो भी लोग नेपाल घूमने के लिए जाते हैं वो पोखरा जरूर जाते हैं। पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे फेमस शहर है और इस जगह पर झील के अलावा कई सारे मंदिर भी हैं। साथ ही यहाँ की शाम बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है। तभी कहा जाता है कि अगर आप नेपाल गए हैं तो एक शाम आप पोखरा के लिए भी रख लीजिए। जी हाँ, यहाँ आपको नेपाल की ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल देखने को मिल जाती है। यहाँ के होटल्स में रहने से लेकर यहाँ का खाना पीना सब नेपाली स्टाइल का है। यहाँ आप नेपाल को जी लेंगे। लुम्बिनी। दोस्तों गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों का तीर्थस्थल है। ये स्थान भारत नेपाल सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित रुमिनोदेई गांव ही लुम्बिनी गांव है। सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के लिए जाने जाना वाला ये स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। सम्राट अशोक ने इसे अपनी नेपाल यात्रा की स्मृति में बनवाया था। यहाँ का प्रमुख आकर्षण केंद्र 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ बाग है। इसके अलावा माया देवी मंदिर भी तीर्थ यात्रियों के बीच खासा लोकप्रिय है। इसमें गौतम बुद्ध की माँ माया देवी की मूर्ति है। माया देवी इस मूर्ति में गौतम बुद्ध को जन्म देती हुई दिखाई गई है। कहा जाता है कि यहाँ जाकर आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरा जरूर होता है और शायद यही वजह है कि लुम्बिनी में भारी संख्या में लोग आते हैं। पर अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यहाँ आ सकते हैं क्योंकि इस दौरान पर्यटकों की भीड़ काफी कम होती है। अगर आप उचित समय देखकर यहाँ आएंगे तो बहुत लुत्फ उठा पाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स आपको यही बता दूं कि आप नेपाल में जाकर ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब है कि आपको अगर पहाड़ों पर जाने का शौक है और आप चाहते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ों की ऊंचाई को आप देख सकें, उन्हें आप फील कर सकें, तो आप यकीनन इस देश में जा सकते हैं। वाकई में आपका भी दिल लग जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश की राजधानी में आपको सबसे ज्यादा और सबसे रंगीला रेड लाइट एरिया भी दिख जाता है। जी हाँ, यहाँ पर शाम होते ही लड़कियों की महफिल सज जाती है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर अपने मन को शांत करने के लिए। कहते हैं कि यहाँ पर लड़कियाँ खूब नाचती हैं और आपको मदहोश कर देती हैं, आपको बहुत प्यार देती हैं। तो काठमांडू में आपको इस तरह की चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर यकीनन जा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। दोस्तों यदि आपकी इच्छा कम पैसे में विदेश घूमने की है तो आप नेपाल जा सकते हैं। नेपाल में जाना बिल्कुल अपने देश में घूमने जैसा ही है। इस देश में कई सारे हिंदू मंदिर हैं। हर साल भारत से कई सारे लोग इस देश में बने इन प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को देखने के लिए जाते हैं। नेपाल देश में मंदिरों के अलावा कई सारे सुंदर पर्यटन स्थल भी हैं जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। नेपाल देश एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए भी एकदम सही जगह है और इस जगह पर एडवेंचर का खूब मजा लिया जा सकता है। आप अपनी छुट्टियों के दौरान इस देश में जाने का विचार कर सकते हैं। अगर आप नेपाल देश की ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको ज्यादा जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इस देश की करेंसी काफी सस्ती है और आप आराम से 4 से 5 दिन इस देश में करीब 25,000 रुपए खर्च करके गुजार सकते हैं। तो दोस्तों ये थे नेपाल देश से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।